हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है और आज से आपका 22 तारीख से फॉर्म अप्लाई का जो लिंक है वो भी एक्टिव हो गया है। तो जिन लोग भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार फाइनली अब खत्म हो गया है। आज से और अभी से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो एसएससी एमटीएस 2022 के लिए। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप बहुत लोग सोचते हैं कि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है तो हम लोग जब लास्ट डेट रहेगा तो उसके कुछ दिन पहले करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत सारे लोग अचानक जो है साइट पे इंगेज हो जाते हैं, जिसके कारण आपका जो साइट है वो बहुत स्लो हो जाता है और जल्दी साइट नहीं खुलता है। तो आप लोग जितना पहले फॉर्म फिल कर लोगे उतना अच्छा होगा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका जॉब प्रोफाइल के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या है, आपका कब से कब तक डेट है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फीस क्या है और आप जो तैयारी है वो कहां से करेंगे, वो सारा जो आपका क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी सरकारी अपडेट आते हैं, सरकारी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको चैनल पे मिलते हैं और साथ ही साथ आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज का अपना जो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले कि हमारा एसएससी एमटीएस 2022 एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका पिछला साल 2021 में ही आना था, पर ये 2021 में ना आकर आपका 2022 में आया। तो सबसे पहले हम आपको जानेंगे कि ये जो आपका है ये पे लेवल वन का आपका जो एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है, ठीक है, पे लेवल वन का है ये, आपका बेसिकली ग्रुप सी का वैकेंसी है। क्या एसएससी के अंतर्गत जो भी आता है वो ग्रुप सी का वैकेंसी है। आप लोग सारा जो डेट है वो याद रखना। अब हम ये देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, स्टार्ट तो आज से हो गया है और लास्ट डेट कब है वो भी देखेंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है, एप्लीकेशन स्टार्ट वो आपका है कब से, तो 22/3 से है। क्या 22/3/2022 से है। और अब ये भी जानेंगे कि इसका लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट तो लास्ट डेट आपका एसएससी की ओर से रखा गया है 30/4/2022। बहुत ही ये दो डेट को आपको ख्याल रखना है कि 30 अप्रैल, क्या 30 अप्रैल 2022 को आपका लास्ट डेट हो है, ठीक है। उसके आगे हम लोग ये जानेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितना लग रहा, पे फीस जो है वो कितना लग रहा, वो आपका लास्ट डेट है, नोट कर लीजिएगा सभी अपने नोटबुक में लास्ट डेट आपका कितना रखा गया है, वो भी आपका है 30/4 तक, ठीक है। पे एग्जामिनेशन फीस का लास्ट डेट आपका रखा गया है 30/4 तक। और एग्जामिनेशन फीस कितना है आपका, तो आपका जो जनरल और ओबीसी का 100 रुपीज है। कितना, जनरल और ओबीसी का 100 रुपया रखा गया है और एसटीएससी का कोई फीस नहीं, नो फीस, ठीक है। एसटीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। और बात करते हैं कि पहला जो सीबीटी एग्जाम होगा वो कब होगा, तो यहां पे आप लोग देख लीजिए कि फर्स्ट सीबीटी वन जो आपका एग्जाम होगा वो जून में, क्या जून में हो सके, जून के आपका लास्ट मंथ में हो या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो सीबीटी फर्स्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली इसमें दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू। तो हम लोग वीडियो के एंड से पहले अपने जानेंगे कि आखिर पेपर वन में क्या सिलेबस है और पेपर टू का क्या सिलेबस है, पेपर टू में हम किस तरह एलिजिबल होंगे वो भी हम जानेंगे। तो इतना आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेबस और जो भी है उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये आपकी बेसिकली जो है ये 10th क्लास की जॉब है, 10th क्लास, ठीक है। जो बेसिकली 10th क्लास पास कर चुके हैं उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी एग्जाम में बैठने का। बेसिकली क्या है एलिजिबिलिटी की, आप सिंपल सा 10 पास होना चाहिए, ठीक है। 10 उसके साथ साथ आपका जो एज का बात करते हैं, एज आयु का बात करते हैं, ठीक है। तो आयु आपका दो टर्म में डिफाइन किया गया, दो तरह की एज को रखा गया। पहला जो एज है आपका 18 से 25 है, ठीक है, और दूसरा जो एज है आपका
18 से 27 साल के बीच रखा गया है। पहला एज क्या है 18 से 25 और दूसरा जो है वो 18 से 27, जिसमें मेल फीमेल या फिर आपका पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट सारा को इसमें अप्लाई कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि छूट हमको कितना मिल रहा है। तो आपका एसटीएससी का रखा गया है 5 साल का छूट है एज में, ठीक है, और ओबीसी का आपका रखा गया है 3 वर्ष का छूट है। क्या जाने आप लोग कि ये बेसिकली 10th क्लास का जॉब है। उसके बाद हम हमारे जो एज है वो दो टाइप का एज है, पहला एज है 18 से 25 और दूसरा एज है 18 से 27। पहला एसटीएससी जो है जिसमें 5 साल का एज में छूट दिया गया है, दूसरा में आपका ओबीसी में 3 साल का छूट दिया गया है। और जो आपका एज काउंट होगा वो एज आपका काउंट होगा 1 जनवरी 2022 से आपका एज को काउंट किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 जनवरी 2022 से आपका एज का जो है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसमें बेसिकली दो तरह का एग्जाम होता है, पहला पैटर्न जो है फर्स्ट पैटर्न के बारे में देखिए। फर्स्ट पैटर्न क्या है आपका कि पहला पैटर्न जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, कितना का 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। आप लोगों ने जान लिया कि इसमें पहला पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इस जिसमें आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट, कितना 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव कितना होगा तो 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/4 मतलब 0.25 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के बारे में जान लिए। अब चलिए सिलेबस देखते हैं कि पैटर्न वन का सिलेबस क्या है, ठीक है, इसको मिटाकर देखेंगे ऊपर में। तो देखिए सिलेबस हम देखते हैं कि पैटर्न वन बोल सकते हैं या फिर पेपर वन भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट पेपर का हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आता है जीके, जो रहेगा आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैथ, जिसमें रहेगा आपका 25 क्वेश्चन। उसके बाद आता है रीजनिंग, क्या आता है रीजनिंग, जिसमें रहेगा 25 क्वेश्चन। और लास्ट में आता है आपको इंग्लिश, जिसमें भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन हो गया, कितना मार्क्स का 100 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में गलत करते हो तो आपका 1/4 नंबर जो है वो कट जाएगा, इसका मतलब 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा जितना भी आप स्कोर करोगे उसमें से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका मेरिट कैसे डिसाइड होगा। तो पेपर वन में आप जितने भी मार्क्स लाओगे, जितने भी आप नंबर लाओगे, उसके आधार पे पेपर टू, क्या उसके आधार पे पेपर टू का जो मेरिट है उसमें आधार वो आपका निर्धारित किया जाएगा कि किन बच्चों को पेपर टू एग्जामिनेशन में बैठने देना है, ठीक है। तो ये जो है पेपर वन जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, पर जो पेपर टू है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर वन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा संभावना होगा कि आप पेपर टू का एग्जाम में बैठोगे। तो अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर पेपर टू का जो सिलेबस है वो क्या है, कि जब आप पेपर वन को पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, तो पेपर टू में आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए पेपर टू या फिर आप बोल सकते हैं पैटर्न टू में, ठीक, इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि ये आपका फिक्स होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्या ये क्वालिफाई, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये आपका टोटल होता है, ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है, कितना 50 नंबर का, ये आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपको कितना नंबर लाना पड़ता है 40% नंबर लाना पड़ता है। तो 40% हमारा हो कितना जाएगा, देखिए 50 का 40% हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 20, सिर्फ 20 मार्क्स हमको लाना पड़ता है किसमें, पेपर टू में। पेपर टू टोटल कितना नंबर का होता है, तो 50 नंबर का होता है,
जिसमें आपको 40% क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा। अगर 40 नंबर नहीं आएगा तो आप पेपर टू के लिए क्वालिफाई नहीं हो गए, ठीक है। तो आप 40% जब लाओगे, 40% का हम निकाले तो कितना नंबर आ रहा, 20, मतलब 50 में से आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि सिंपल इसमें ऐसे आता है और लेटर आता है, ऐसे या ऐसे और लेटर, ये आपको लिखना पड़ता है, जिसमें से आपको 50 में से मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। ये करने के बाद जो भी आपका एग्जाम का जो अगला स्टेप होता है वो होगा, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं इसके आगे कि जो इसके आगे हमको ये देखना है, चलिए इसके आगे क्या वो देख लेते हैं कि एक जो आप लोग फॉर्म फिल करोगे उसमें एक गलती मत करिएगा कि जितना भी वैकेंसी रहता है वो सब सारा स्टेट वाइज रहता है। आप अपने अनुसार, आप अपने प्रेफर से, आपको जो भी स्टेट में आप सुटेबल बैठोगे वो स्टेट का आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। जो वैकेंसी जितनी भी होगी, ठीक है, वो सारा क्या होगी, स्टेट वाइज होगी। सारा स्टेट का ABCD अपना अलग अलग कोड होता है, आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से देखकर ही फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, मैं सेपरेटली उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस को समझ गए, पेपर वन में क्या था, पेपर टू में क्या था, आपका स्टार्टिंग डेट क्या है। तो आज से आपका स्टार्टिंग डेट है 22/3/2022 से लास्ट डेट है आपका 30/4/2022, ठीक है। आपका फीस पे करने का कब तक लास्ट डेट है, तो आप बोलोगे 30/4/2022 तक। पेपर वन का सिलेबस देख लिए कि टोटल 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन का गलती करोगे तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाता है, मतलब 1/4 मार्क्स आपका कट जाता है। टाइम आपको कितना दिया जाता है, तो टाइम आपको दिया जाता है 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट टाइम दिया जाता है। एज के बारे में बात कर लिए तो ST/SC का 5 साल का छूट है और OBC का 3 साल का छूट मिलता है एज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लिए कि पेपर टू का सिलेबस क्या है, तो आपको सिंपल ऐसे या फिर लेटर इसमें लिखना पड़ता है, जिसमें से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स है 20 नंबर का, टोटल होता है आपका 50 नंबर का, जिसमें से 40% आपको कम से कम लाना पड़ता है। ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज होता है, तो आपको सिंपल जो पूरा नोटिफिकेशन को रीड कर लेना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप फॉर्म फिल कर दिए और बाद में आपको पछताना पड़े, ऐसा भी काम नहीं करना है, ठीक है। एक दिन दो दिन लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है। और आपको कोशिश ये करना है कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, ये इंतजार नहीं करना है कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। ऐसे क्या होता है कि सर्वर बहुत ही बिजी हो जाता है, फिर लास्ट में आपका क्या होता है कि साइट ही नहीं खुलता और बहुत लोग फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। तो आई होप आपका जितना भी क्वेरी होगा वो इस वीडियो में सारा का सारा आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, एक बात, जिन लोगों को भी मैथ का प्रॉब्लम होगा या फिर उनको मैथ समझ में नहीं आता होगा, तो हमारे चैनल पे आपको बेसिक से अभी आपका NTPC CBT और ग्रुप डी का जो सेशन चल रहा है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन आपका पहला चैप्टर जो शुरू हुआ था, क्या सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक आपका सिर्फ कितना क्लास हुआ है, तो एक क्लास हुआ है। अब कल से आपको शाम के टाइम आपको दूसरा क्लास रेगुलर मिलने लगेगा। तो जिनको भी मैथ का प्रॉब्लम है वो हमसे जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी मैथ का जो भी डर होगा वो आपको क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और मैथ की गारंटी मेरी है कि आपको मैथ में अच्छा खासा आप स्कोर करोगे 25 में से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मैथ के सेशन में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा कल शाम से, ठीक है। जय हिंद।